लाने की वो है बाबा जी वो दिख रहा और है, आपके बात से भी दिख रहा है। हाँ स्वामी जी हम बिना ना कराना ही है कृपा मैं इसके लिए प्रसन्नता बताता है हूं तो आपको, बनाए बाबा जी अपनी कृपा। मैं बताता हूं, आप सुनिए जरा गौर से सुनना। देखो, हाँ जिनको भी हकलाने की प्रॉब्लम है, एक तो यहां से दबाएं 2-2 मिनट, ये दोनों हाथों में अंगूठे के नीचे ये जगह, और यहां से इधर से यहां से दबाएं और इधर से यहां से दबाएं। कपालभाति, उज्जायी, से होल्ड करके फिर दायन आंख को बंद करके बाएं से छोड़ दी, आधा से 1 मिनट होल्ड करना। ये दो तो प्राणायाम हो गए, कपाल भाति उज्जायी, थोड़ा सा अनुलोम विलोम भी कर ले 5 मिनट, अच्छा बाबा जी। और खास बात, हाँ बाबा जी आसनों में सर्वांगासन, हलासन या उष्ट्रासन, तीनों में से जो आप इजीली कर पाए वो आसन कर लेना, और त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम, दोनों मिला करके साथ में प्रवाल पिष्टी और गोदंती भी उसमें 10-10 ग्राम मिला देना, और 1-1 ग्राम सहज से चाट लेना। यह हकलाने की समस्या ठीक होती है। मैंने प्रारंभ में काफी ऐसे लोगों के प्रमाण भी दिए हैं आस्था चैनल पर, करोड़ों लोगों के मैंने शिविर टेलीकास्ट किया, और उसमें से हजारों लोगों के मैंने लाइव इंटरव्यू दिए हैं पूरे रिपोर्ट्स के साथ। आप भी कीजिए, आपको भी फायदा होगा। मैं एक बहुत प्रामाणिक बात कहता हुआ है कि जो हम आपको यहां से सजेशन देते हैं, चाहे ब्लड प्रेशर के लिए, चाहे डायबिटीज के लिए, चाहे हार्ट के लिए, या स्ट्रेस के लिए, अनिद्रा के लिए, किसी भी संदर्भ में हम जो भी आपको सजेशंस देते हैं, जो भी आपको एडवाइस देते हैं, उसको आप 100% पूरे डेडिकेशन के साथ फॉलो कीजिए। जैसे मैंने कहा कि आपको कमर में दर्द है तो आपको ये इतने आसन करने, और ये तंत्र प्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गुल, शिलाजीत लिक्विड या शिलाजीत के कैप्सूल या शिलाजीत रसायन गोली का सेवन करना है तो आप कीजिए, 100% पहले दिन से आपका कमर दर्द ठीक होगा। पहले दिन से मुक्तावटी से आपका बीपी, मधुनाशिनी से आपका शुगर, हृदयामृत से आपके हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, और श्वासारी से पहले दिन से आपका कफ, कोल्ड, खांसी, और पहले ही दिन से आपको एनर्जी मिलेगी च्यवनप्राश या डायबिटीज के पेशेंट रहे तो च्यवनप्रभा से। जो हम कहते हैं आप उसको 100% फॉलो कीजिए।